हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को व्यू फाइंडर के अंदर अगर डस्ट होती है तो उसे कैसे क्लीन करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप DSLR कैमरा यूज करते हो तो उसके व्यू फाइंडर में कभी डस्ट होती है तो हमेशा नजर आती रहती है, जब भी आप फोकसिंग करने के लिए कैमरा को एम करते हो। तो बेसिकली व्यू फाइंडर में जो डस्ट होती है वो रिजल्ट में कभी भी नहीं आती है। कई लोगों को गलतफहमी होती है, जो व्यू फाइंडर में डस्ट नजर आ रही है वो रिजल्ट्स में भी आएगी क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेंसर पे की डस्ट अलग है। मैंने सेंसर की डस्ट क्लीन करने की वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। लेकिन आज मैं व्यू फाइंडर के अंदर के डस्ट को हटाने की बात कर रहा हूं, जिसका रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी आप फोकसिंग करते हो या आप व्यू फाइंडर के थ्रू देखते हो तो वो डस्ट हमेशा नजर आती है, उसी जगह पे नजर आती है तो इरिटेटिंग लगता है। उसे क्लीन करने का मेथड आज मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको चाहिए एक ब्लोअर और इस तरह के यूज एंड थ्रो ग्लव्स जो बहुत ही सस्ते मिलते हैं। तो ये दो चीजें तैयार रखना और आप फिर व्यू फाइंडर क्लीन कर सकते हो। जैसे DSLR कैमरा के अंदर आपने देखा होगा कि एक रिफ्लेक्स मिरर होता है, लेंस से रिफ्लेक्स मिरर पे इमेज आ रही है और ये रिफ्लेक्स से ऊपर जा रही है। ये पूरा ऊपर का जो एरिया है इसे पेंटा प्रिज्म बोलते हैं। इस पेंटा प्रिज्म में आपको पीछे व्यू फाइंडर में से देखने की फैसिलिटी होती है। मोस्टली इस पेंटा प्रिज्म के अंदर डस्ट नहीं जाती है क्योंकि ये वेदर सील्ड होता है। डस्ट अगर जाती है तो बेसिकली यहाँ एक फोकसिंग प्लेट होती है उस पर जाती है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये अंदर जो प्लेट है इसे फोकसिंग प्लेट कहते हैं और इस फोकसिंग प्लेट पर अंदर तरफ डस्ट जाती है। ऊपर की डस्ट तो आप इस ब्लोअर से इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये रिफ्लेक्स मिरर की डस्ट भी निकल जाएगी और साथ में फोकसिंग प्लेट के ऊपर तरफ की डस्ट भी हट जाएगी, लेकिन फोकसिंग प्लेट के अंदर तरफ की डस्ट हटना मुश्किल है ऐसे ग्लो मारने से। तो आपको अंदर का डस्ट हटाने के लिए इसे रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव करने के लिए आपको पहले ग्लव पहनना पड़ेगा। तो आपको मैं दिखाता हूं कि अगर आप ग्लव पहनकर करते हो तो आपके हाथ का डस्ट, पसीना, कोई भी चीज उस रिफ्लेक्स मिरर और साथ में फोकसिंग प्लेट जो आप हटा रहे हो उसके ऊपर नहीं आएंगे। ये आप अगर देखेंगे तो ऊपर तरफ एक नॉच है, एक छोटा सा, ठीक है। ये जो नॉच है इसे अगर आप ऊपर खींचोगे इस नॉच को, तब पेंटा प्रिज्म को नीचे तरफ से लगा हुआ जो आपका फोकसिंग प्लेट है वो निकलेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये ऐसे रखो और इसे ऊपर ढकलना तो ये निकल गया और ये जो निकला हुआ है ये फोकसिंग प्लेट है। और ये फोकसिंग प्लेट अलग अलग प्रकार की आती है, अलग अलग टाइप के फोटोग्राफी करने के लिए हेल्प करती है, लेकिन हम लोग मोस्टली इंडिया में जो कैमरा के साथ में फोकसिंग प्लेट आती है उसी को यूज करते हैं, तो कभी हम बदलने का मौका नहीं मिलता है। मोस्टली हम इसे बदल भी सकते हैं। अभी ये फोकसिंग प्लेट जो होती है इसे आप इजीली निकाल सकते हो। ये निकालने का जो तरीका सिंपल सा है, ये आप इसे ऊपर करो और साथ में ये बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके होल्डर एक होता है, इसको वो होल्डर वहां पर रहने के कारण आपको थोड़ा सा निकालने की दिक्कत होती है। देखिए ये है फोकसिंग प्लेट। अब डस्ट जो है यहां पेंटा प्रिज्म के नीचे तरफ भी जा सकती है और इस पे भी जा सकती है, तो आप इसे कोई क्लीन जगह पे रख दीजिए और साथ में ब्लोअर लेकर पहले पेंटा प्रिज्म नीचे तरफ से पूरा क्लीन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो फोकसिंग प्लेट निकाले हो इसे क्लीन कर लीजिए। तो आप कोशिश करो कि ग्लव पहनकर ही करो ताकि इस पर कोई मार्क नहीं आए। ये मैंने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद में इसे यहां पर एक छोटा सा नॉच है इसे पकड़िए, इस एरिया को पकड़िए और वापस
आपके कैमरा के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। कैसे? ये नॉच इस जगह में एक्सेक्ट बैठता है, तो इसे आपको संभाल के इसमें रखना है और फिट हो जाएगा ये उसी जगह में। और जैसे ये इसके अंदर फिट हो गया, आपको सिर्फ ऊपर ढकलना है, ये पूरे सिस्टम को ऊपर ढकल के दबा देना है। तो जैसे ही आप दबाओगे तो ये उसी के एग्जैक्ट उसी जगह में फिट हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसको यहां से रख के दबा दिया है, ये हो गया फिट। दैट्स इट। तो आपने क्लीन किया, बाहर निकाल के भी क्लीन किया, बगैर बाहर निकाले भी क्लीन कर सकते हो। अगर आपने ये नॉच को हटाया और यहीं पर रखे रखे भी आप क्लीन कर सकते हो। कई बार 99% इस जगह में रखे रखे भी क्लीन हो जाता है, बाहर निकालने की भी गरज नहीं है। अगर आपके पास ग्लव्स है तो आप बाहर निकाल के क्लीन कर सकते हो, फिर भी बिना ग्लव्स के तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पर हाथ लगने के चांसेस है, मिरर को भी हाथ लगने के चांसेस है। तो यहाँ रखे रखे क्लीन करो या तो फिर बाहर निकाल के क्लीन करो, अगर आप संभल के कर सकते हो तो। और जैसे क्लीन करने के बाद वापस इसे ढकल दोगे तो एग्जैक्ट उसी जगह में जाकर वो लॉक हो जाता है। और जैसे लॉक हो जाएगा तो एक आवाज आएगी आपको, लॉक लीनी। दैट्स इट। और ये हो गया लॉक। तो इस तरह से आप आपके व्यू फाइंडर में जो डस्ट आ रही है उसको हटा सकते हो, और बाद में वापस से इसे क्लीन कर लीजिए। जहां पर भी आप वापस से धूल अगर गई तो हट जाएगा, एंड दैट्स इट। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगले वीडियो के लिए अपन जरूर मिलते हैं। सी यू सून। बाय।